नमस्कार, आप देख रहे हैं UMH न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आशीष सरी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। कलयुग की लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सबसे बड़ी सफलता। आजकल शादी के नाम पर धोखाधड़ी करना एक आम बात हो गई है। ऑनलाइन वाली दुनिया में लुटेरी कलयुगी दुल्हन भी प्रकट होने लगी है, जो शादी के बाद पति के घर से जेवर और रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के देवास जिले के खेत गांव से। तो चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद शेख की एक खास रिपोर्ट। देवास जिले के खाते गांव में पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक कलयुगी लुटेरी दुल्हन को खाते गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार वार्ता में खाते गांव थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि दलाली करने वाले आरोपी सुरेंद्र उर्फ बंटू से पुलिस ने नकदी रुपए एवं आरोपी महिला बैतूल निवासी रीना से सोने चांदी की 50,000 रुपए कीमत की ज्वेलरी जब्त की है। आपको बता दें कि 20 जून 2021 को गायत्री मंदिर नेमावर में रामविलास ने रीना से शादी कर ली और उसी दिन रीना के कहने पर आरोपी सुरेंद्र को 1,25,000 रुपए नगद दिए और रीना को सोने चांदी के जेवर दिए। शादी के बाद से ही रीना रामविलास के घर पर रह रही थी, किंतु 13 जुलाई की रात को रीना बिना बताए रकम जेवर और उसके कपड़े लेकर बैतूल चली गई। फिर राम निवास ने रीना और सुरेंद्र को फोन लगाया तो रीना ने राम निवास के घर ग्राम मालसा गदा आने से मना कर दिया और बोली कि आज के बाद मुझे फोन मत लगाना, नहीं तो झूठे केस में फंसा दूंगी। इसके बाद पता चला कि रीना को 4 साल का एक लड़का है और वह दलाली करने वाले सुरेंद्र के साथ रह रही है और झूठ बोलकर शादी के नाम पर धोखाधड़ी की है।